दोस्तों, रात को सोते समय मर्द अगर नहीं करता औरत के साथ ये एक गुप्त काम, तो उम्र भर उसे पछताना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये जानने से पहले हम जानते हैं कि जिन औरतों के ये अंग बड़े होते हैं तो वह बहुत ही भाग्यशाली होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि औरत के वो अंग कौन से हैं। इसे जानने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में औरत को पूजनीय माना जाता है और उन्हें सबसे उच्च सम्मान प्राप्त होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण और समुद्र शास्त्र में महिलाओं के अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही इसमें महिलाओं के बालों से लेकर उसके नाखून जैसे सभी अंगों के बारे में बताया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि महिला का कौन सा अंग अगर बड़ा होता है तो वो पति के लिए भाग्यशाली बनता है। दोस्तों, सबसे पहला अंग है लंबे वह काले बाल। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि लंबे वह काले बाल महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। और अगर भगवती माता की कोई भी चीज और प्रतिमा देखे तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे थे। लंबे और काले बाल वाली महिला अपने पति के लिए सौभाग्यशील होती है। लंबी गर्दन। दोस्तों, समुद्र शास्त्र में लंबी गर्दन महिलाओं के लिए मंगलकारी मानी जाती है। जिन महिलाओं की लंबी गर्दन होती है वह सौभाग्यशाली होती है और उसके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती है। बड़ी आंखें। दोस्तों, बड़ी आंखें वाली महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती है और विपत्ति आने पर वह अपनी सूझबूझ से परिवार को संभाल लेती है और उनके रहते घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि औरत के साथ रोज रात को कौन सा काम अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार रात को सोते समय औरत को अगर रोज रात को प्यार करेंगे तो आपका शादीशुदा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी शादीशुदा जीवन में धीरे धीरे कमजोरियां आने लगेगी और आपका जीवन नरक बन जाएगा। इसीलिए सोते समय अपनी पत्नी को प्यार देके ही सोना चाहिए। अगर आप सोते समय यह एक गुप्त काम नहीं करते तो आप उम्र भर रोते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।